one class chapter 5 gender. Now there are two types of gender, masculine, feminine, common and neuter. Now masculine gender kya hote hai? A noun. Noun refer to a male person or animal is said to be of the masculine gender. Now masculine gender kaun se hote hain jisme male person or animals aate hain. Jaise aap hindi mein pulling padte ho, like boy king person mein ho gaya, lion tiger ye sab animal hai na. तो ये मेल के लिए यूज किया जाएगा. फेमिनिन जेंडर नाउन दैट रेफर टू अ फीमेल पर्सन और एनिमल सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, लाइक गर्ल क्वीन है ना, जैसे किंग का क्वीन हो गया ऐसे. लॉयनस टाइग्रस स्त्रीलिंग जैसे हिंदी में पढ़ते हो. कॉमन जेंडर ए नाउन दैट रेफर टू द बोथ मेल एंड फीमेल, ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इसमें आएंगे. जैसे डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है पर फीमेल भी हो सकता है. टीचर सर मैडम दोनों ही इसमें आ गए ना. पेरेंट में भी देखिए फादर और मदर दोनों ही ना. चाइल्ड में भी, कज़न में भी दोनों आ जाते हैं. न्यूट्रल जेंडर ए नाउन दैट रेफर टू अ नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज नाइदर मेल और मेल नॉ फीमेल. ना मेल हो ना फीमेल हो, बस ओनली नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. लाइक टेबल, चेयर, बुक, ग्लास, बोट है ना. कलेक्टिव नाउन्स आर सेड टू बी अ न्यूट्रल जेंडर इवन इफ दे डोनेट अ कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. कलेक्टिव नाउन्स भी न्यूट्रल जेंडर होती हैं भले ही वो कोई लिविंग थिंग का कलेक्शन बता रही हूँ. फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे फेमिनिन होगा, प्लूरल्स नहीं है. वी कैन फॉर्म अ फेमिनिन ऑफ नाउन इन द डिफरेंट वेज. हम कैसे फेमिनिन बनाएंगे, बहुत सारे तरीके. पहला ई डबल एस यूज़ करते हैं जैसे प्रेस्ट में. देखिए ई डबल एस हमने यूज़ किया, फेमिनिन बन गया मैस्कुलिन से प्रेस्ट का. होस्टेस हो गया, लॉयनस हो गया, एरिस हो गया है ना. ई डबल एस यूज हुआ है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने में. समटाइम्स देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग बिफोर एडिंग ई डबल एस. अब थोड़ा सा चेंज क्या होगा, जैसे ड्यूक है तो डचेस में देखिए के ई भी नहीं यूज हुआ और डचेस हो गया. एम्परर में एम्प्रेस हो गया. गॉडेस, तो सब में यहाँ पे जो चेंजेस हो रही हैं वो थोड़ा डिफरेंट है. सिर्फ ई डबल एस नहीं लग रहा, उसके साथ भी चेंजेस हो रहे हैं. जैसे आर यूज हो गया या इसमें सी एच ई डबल एस यूज हो गया. ये सब अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं. नाउ कंपाउंड वर्ड्स में कैसे चेंज होगा, जैसे ग्रैंडफादर दो वर्ड्स हो गए, ही गॉड, तो कैसे चेंज करेंगे फैमिली में, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर दादी है ना. तो ही गॉड, शी गॉड, ही बियर, शी बियर. ऐसे ही मेन मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, वॉशरमैन, वॉशर वूमेन, पिकॉक, पीहैन, मिल्कमैन, मिल्क मेड होता है, जेंटलमैन, लेडी. तो ऐसे ही चेंज होगा. नाउ वर्ड्स दैट चेंज इंटायरली, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है. जैसे बॉय आप जानते होंगे, गर्ल है ना, ब्रदर का, सिस्टर, किंग का, क्वीन, ये नॉर्मली जो आपको पता होंगे. फेमिनिन जब बनाते हैं मैस्कुलिन से, विडोवर का जैसे आपको बताना चाहिए विडो है ना, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, मिस्टर मिसेस, लैड, लास्ट होता है कार्ल का, काउंटेस, जैसे मॉन्क और नन, जैसे बुद्धिस्ट जो होते हैं सन्यासी उन्हीं को कहा जाता है. ऐसे फॉक्स, विक्सन, ये सब पता होने चाहिए. ओके नाउ ये सारे कॉमन जेंडर नाउन्स दिए हुए हैं जो चेंज नहीं होंगे फेमिनिन में. पर फिर देखिए पोइटस, एक्ट्रेस और ऑथरेस, जैसे कि पोइट का और एक्टर का और ऑथर का हम फेमिनिन बनाते हैं. पोइटस ना होगा, एक्ट्रेस और ऑथरेस ना, ये अभी आपको मिल सकता है. वरना ये सब जितने भी हैं इनमें फेमिनिन नहीं यूज़ होगा, मैस्कुलिन की तरह यूज़ होंगे. नाउ आर डेज पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ आर कॉमनली रेफर्ड एज और शी, ही और शी. अब जो है पेट डॉग्स या जो कैट होते हैं वो भी ही और शी रेफर करे जाते हैं. जैसे ग्वाल हैज अ लिटिल डॉग कॉल्ड रॉबी, तो रॉबी की जगह देखिए ही यूज़ किया है, जैसे इट यूज़ करते हैं, जबकि इसमें ही यूज़ कर सकते हैं. ही स्लीप्स इन द सेम बेड एज ग्वाल्स. ओके नाउ गिव फेमिनिन जेंडर, जैसे एयर मतलब बारिश, तो अगर फीमेल जैसे होता है बारिश हुई तो एयरस. एम्प्रेस सम्राट जिसको बोलते हैं तो एम्प्रेस सम्राट जी है ना. मास्टर, मिस्ट्रेस, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, इस मकान मालिक जैसे बोलते हो. मैस्कुलिन फीमेल में लैंडलेडी होता है. पीकॉक, पीहन, वेटर, वेट्रेस. नाउ बैरन, बैरनेस, ये जैसे कि उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे इंग्लैंड के. जेंटलमैन, जेंटलवुमन या लेडी. ओके जैसे कार्ल का, काउंटेस पहले के मतलब इंग्लैंड के ही सामंत होते थे. ब्राइडग्रूम, दूल्हा, जैसे ब्राइड, दुल्हन. तो नाउ इसमें अब आपको मैस्कुलिन लिखने हैं, फेमिनिन आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे डचेस,
ड्यूक नवाब जो बोलते थे, ड्यूस, ड्यूस इज ड्यू, वॉशरवुमन वॉशरमैन, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, है मियर हॉर्स, काउ, बुल, बिच, डॉग, विक्सन, फॉक्स, हेन, स्टेज, गॉडेस, गॉड, जैसे देवता है ना और देवी। नाउन, अब आपको जेंडर चेंज करने हैं, अंडरलाइन नाउन जो है, जो भी अंडरलाइन है उनको दोबारा आपको लिखना है। मेक अदर चेंजेस, जो भी अगर और चेंजेस करने हो वो आप कर सकते हो। नाउ कंडक्टर देखिए, मैस्कुलिन में दिया है, वुमन जो है फेमिनिन में दिया है आपको, है ना, तो उसको अपोजिट जेंडर बस चेंज करना है। तो कंडक्टर है तो कंडक्ट्रेस, वुमन है तो मैन। ओके नाउ, माय अंकल वेंट टू मेरठ टू पिक माय मदर, माय आंट वेंट टू मेरठ टू पिक माय फादर। तो मिल्कमैन है, तो मिल्कमैन का क्या हो जाता है फेमिनिन में, मिल्कमेड। हम यहाँ पे नेफ्यू देखिए, भतीजे जैसे बोलते हैं। नाइस, द प्रीस्ट प्रीस्ट हो जाएगा, जैसे जो चर्चेस में होते हैं प्रीस्ट, पुजारी, क्वीन है, फेमिनिन है तो किंग हो जाएगा। मिसेस शर्मा है तो मिस्टर शर्मा, ब्रदर सिस्टर होगा चेंज जेंडर में। लॉयनस है और तो फेमिनिन में दिया है, मैस्कुलिन में चेंज करेंगे, लॉयन मैन की जगह वुमन हो जाएगा। द मेयर हैड नेवर सीन अ पीकॉक, तो द मेयर हैड नेवर सीन अ पीहन। द विजर्ड वैनिश मैजिकली, द विजर्ड जादूगर जैसे होते हैं, द विच वैनिश मैजिकली। द नन टोल्ड स्टोरी टू द जेंटलमैन, द मॉन्क हो जाएगा नन की जगह, टोल्ड मेल जो सन्यासी होते हैं ना, टोल्ड स्टोरीज टू द लेडी, जेंटलमैन का लेडी। नाउ कैटेगराइज द गिवन नाउंस इनटू मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। ऑलरेडी वर्ड्स दिए हैं आपको, डिवाइड करना है। सो सन देखिए, मैस्कुलिन में आपको पता होगा बेड, नॉन लिविंग है तो न्यूट्रल में जाएगा। क्वीन फेमिनिन, लैंड लेडी भी किसमें जाएगा, फेमिनिन में जाएगा। प्री आपका न्यूट्रल, एस्ट्रोनॉट कोई भी दोनों हो सकते हैं, तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में देखिए, चाइल्ड, एनिमल, पेरेंट्स, कैप्टन और एस्ट्रोनॉट, ठीक है। फैमिली में क्या है, क्वीन, लैंड लेडी, शी गॉट, आंट और ग्रैंड मदर, ठीक है। मैस्कुलिन में ड्यू, पॉटर, हॉर्स, अमन, तो ये मैस्कुलिन में हो गए। न्यूट्रल में बेड, बुक, ट्रेन और ट्री, एक एक करके पढ़ते जाना है और कैटेगराइज करते जाना है ना। ओके नाउ कंप्लीट चैप्टर 5।